हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन, आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस सुबह के 4:30 बज रहे और गाइस मैं इस वक्त में अभी माहिम का मुझे एक बुकिंग है, माहिम में पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा हूँ गाइस। और गाइस निकला था घर से 11:30 बजे निकला था, मतलब मुझे लगा 2 दिन से कुछ बुकिंग है नहीं और मैं पिछले 2 दिन से मैं भी काम पे नहीं गया क्योंकि काम अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया गाइस कि पूछो मत, मतलब हालत ख़राब जाती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए सोचा कि निकलते, तो आज निकला था 11:30 बजे गाइस। मुझे सबसे पहला जो एक बुकिंग आया था मुझे लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग आया था, जो जिसका मुझे गाइस मिला था 90 रुपये मिला था, मतलब 90 रुपीज मुझे उसका गाइस मिला था। और उस ताबड़तोब गाइस वहाँ से मुझे आया सेकेंड बुकिंग उबेर की तरफ से गाइस पैसेंजर के पास। जैसे पहुँचा तो पैसेंजर के पास पहुँच के मत गाइस, मतलब मैं लगभग 9 मिनट तक वहाँ पे बैठा रहा, बट पैसेंजर का ना ही कोई फ़ोन पैसेंजर रिसीव कर रहा है और ना ही कोई पैसेंजर मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। मतलब 9 मिनट के बाद मैंने उसका ट्रिप को कर दिया कैंसिल। तो जैसे मैं गाड़ी रिवर्स मतलब यू टर्न मार के निकल रहा था, उतने में लेडीज पैसेंजर थी, लेडीज पैसेंजर बाहर क्या मतलब उनका काफ़ी लगेज मतलब मुझे दिखाई नहीं दिया और मैंने देखा ही नहीं, मतलब मैं फ़ोन कर रहा हूँ उनको, मैसेज कर रहा हूँ तो नहीं रिसीव कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ट्रिप को उनका कैंसिल कर दिया। तो भाग भाग के वो लोग आए और मुझे कहा कि मेरा ट्रिप आपने कैंसिल कर दिया। एक्चुअली हम लोग का ट्रिप तो हम लोग लिफ्ट में थे, तो हम लोग का फ़ोन नहीं नेटवर्क नहीं आया, पता नहीं उन्होंने ऐसा रीज़न दिया। तो मैंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें जाना है बांद्रा, तो प्लीज़ हमें लेके चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लगेज था करके। तो मैंने बोला ठीक है, तो उनको बताया था कि उबेर के अंदर 795 रुपीज़, तो उनको बताया था कि 795 रुपीज़, तो लगभग गए 40-45 किलोमीटर था बांद्रा। एक घंटा लगा गया मुझे, 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट लगा मुझे वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया और पैसेंजर से मैंने 795 लिया। उसके बाद में गाइस मुझे मिला था ओला की तरफ से 1.3 के रेटिंग के हिसाब से, जो धारावी का था जो लगभग 4.5 किलोमीटर था, तो उसका भी गाइस मुझे अर्निंग मिला 130 या 140 रुपीज़। तो फिर वहाँ से गाइस काफ़ी देर बैठा, हमारे जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर अरविंद भाई करके जो नई मुंबई में रहते, तो उनसे काफ़ी देर बात की, तो काफ़ी देर बैठने का काफ़ी देर हम लोग ने गाइस बात की और वहाँ से हम लोग निकले। तो मैंने बोला चलो निकलते काम करते क्योंकि वापस सुबह वही ट्रैफिक और वापस सुबह वही गर्मी भी का रीज़न, इसलिए मैंने बोला निकलते और ट्रिप को लेते करके। तो उतने में गाइस मुझे ये ट्रिप लगा माहिम का, तो अभी देखते हैं माहिम 1.1 के रेटिंग के हिसाब से है, तो देखते हैं अभी उसका कितना अर्निंग होता है और हमारा टोटल भी अर्निंग कितना होता है, मतलब लगभग 1000 रुपये का अर्निंग हमारा अभी तक का हो गया। तो वीडियो को एंड तक देखना और गाइस अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना ताकि जो भी मेरी गाइस आने वाली वीडियो रहेगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो करते गए आज की वीडियो को कंटिन्यू। गाइस अभी यहाँ पे पहुंचा मैं, तो गाइस यहाँ पे पैसेंजर का लोकेशन मुझे यहाँ बताया था और पैसेंजर ने अभी यहाँ पे बोला, तो यहाँ पे राइट साइड में पैसेंजर मेरे खड़े क्योंकि उबेर का एक दिक्कत है, उबेर का फोन तो लगता ही नहीं जल्दी। तो गाइस आधे घंटे में माहिम से यहाँ पे मैं पहुंच गया। मैंने जैसा आपको बताया था कि उबेर की तरफ से मुझे 1.1 के रेटिंग के सबसे मुझे ये बुकिंग मिला था और गाइस उसका अर्निंग भी मुझे काफी अच्छा मिला, मतलब 371 रुपीज, मतलब आधे घंटे के अंदर 1.1 की रेटिंग के हिसाब से मुझे उबेर की तरफ से 27 किलोमीटर के मुझे मिला था मुझे मिला गया 371 रुपीज़। ठीक है, मतलब आप सोच सकते हो कितना अर्निंग अच्छा मिला। ठीक है, अगर मतलब कुछ ट्रैफिक नहीं, कुछ सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, बस 32 या 33 मिनट मुझे यहाँ पे लगा यहाँ पे पैसेंजर के पैसेंजर को ड्रॉप करने को, तो उबेर की तरफ से मिला था, मतलब कभी कभी सुबह सर्च मिल जाता है सुबह। ठीक है, तो अभी जस्ट यहाँ पे मैं अभी पैसेंजर ड्रॉप किया, अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मैं अभी निकलूँगा ठाणा स्टेशन, मतलब ठाणा खोपरी के यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ से और भी कौन सा बुकिंग हमें मिलता है यहाँ से। ओला भी चालू है, उबेर भी चालू किया, मतलब आज गाइस वीडियो बहुत शॉर्ट में बना है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना बुकिंग है करके, क्योंकि मैं घर से निकला था तभी, क्योंकि कल भी बुकिंग नहीं था, परसों भी बुकिंग था, इसलिए मैं कल 2 दिन निकला नहीं था और आज भी मुझे लगा शायद बुकिंग नहीं रहेगा करके, बट मैं तो भी निकला, मैंने बोला संडे करके, संडे की वजह से शायद मे भी हमको बुकिंग मिल जाएगा करके, तो इसके लिए गाइस मैं निकला। तो अभी देखते हैं कौन सा बुकिंग अभी यहाँ से मिलता है। मैं अभी ठाणा स्टेशन पहुँच रहा हूँ, यहाँ से ठाणा स्टेशन यहाँ पे है, कभी रात को ना रास्ते भी समझ में नहीं आते, ये ठाणा स्टेशन यहाँ पे हम पहुंचे हैं। तो
गाइस अभी देखते हैं यहाँ से, चाय भी पी लेते हैं। गाइस काफी देर रुकने के बाद मुझे ठाणा स्टेशन से घोड़बंदर का एक ट्रिप मिला था ओला की तरफ से, जो लगभग 14 किलोमीटर था। बट ये चीज मैंने देखा गाइस, नाइट में भी ओला हमें 10 रुपए के ऊपर का रेट हमें देता है। तो 23 मिनट लगा गाइस मुझे यहाँ पे आने को, और उसका मुझे कुछ तो 178 रुपीज अर्निंग हुआ। ठीक है, तो अभी मेरा CNG गाइस हो गया खत्म, क्योंकि मैंने भरा था CNG कल, तो मैंने बोला अभी चलो यहाँ पे भी है घोड़बंदर पे, तो अभी हम आए यहाँ पे CNG पंप पे गाइस। कल परसों के दिन गाइस मैंने CNG भरा था, और आज भरने जा रहा हूँ। मतलब लगभग इसके ऊपर, ये CNG के ऊपर मैंने लगभग गाइस 1500 रुपए के ऊपर अर्निंग किया अभी तक। तो यहाँ पे देखते हैं, और खुशी की बात ये है कि हमारा गाइस CNG हो गया 60 रुपए, तो सबसे खुशी की बात है ये। पहले यहाँ पे भरते फटोर गए CNG। तो गाइस यहाँ पे मैंने अभी 460 रुपए का CNG अभी भरा, मतलब CNG कम होने का हमें काफी सारा फायदा मिला। नहीं तो पहले मेरा, जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि 500 के ऊपर तो मेरा CNG चला जाता ही था, मतलब 8 किलो अगर भरने जाता तो मेरा CNG 500 के ऊपर का CNG मेरा चला जाता था। काफी अच्छी बात है कि मुंबई के अंदर CNG कम हो गया, जो हमें अभी पर KG 60 रुपीज KG के हिसाब से हमें यहाँ पे CNG मिलता है। तो अभी हो गए गए सुबह के 6 बज रहे, अभी देखते हैं आज से भी कौन सा बुकिंग मिलता है, देखते हैं कितना मेरा अर्निंग होता है। मतलब एक तो जो पर्सनल ट्रिप गाइस मुझे मिला उसकी वजह से मेरा अर्निंग ज्यादा हो गया, नहीं तो इतना मेरा अर्निंग नहीं हो पाता था। मतलब लगभग 800 रुपये तो मुझे वही ट्रिप में ही मुझे गाइस उसके अंदर मिल गया मुझे। ठीक है, और बाकी तो ट्रिप मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिल रहा नाइट के टाइम पे, थोड़े रंग की मिल रहे ट्रिप नाइट में, मतलब जैसा चाहिए वैसा कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर, जैसा दिन में कैसा बुकिंग के ऊपर बुकिंग आता है वैसा नाइट में अभी फिलहाल नहीं आ रहा। मतलब काफी देर रुकने के बाद फिर बुकिंग आता है। अभी देखते हैं यहाँ पे साइड में रुकते हैं, और देखते हैं अभी यहाँ से कौन सा हमें बुकिंग आता है करके। गाइस जितने भी मुझे बुकिंग मिले ना, सब कैश की बुकिंग मुझे मिले, नहीं तो पता चलता कभी कभी जेब में पैसे आते नहीं, बट जितने भी बुकिंग है सब मुझे कैश के, एक भी मतलब ऑनलाइन बुकिंग मुझे अभी तक आया नहीं। अभी जो मैं लास्ट में जो ठाणा में था गाइस, ठाणा से मुझे जो बुकिंग आया था, जो मुझे ओला से जो गाइस बुकिंग आया था डोंबिवली का, लगभग 27 किलोमीटर था, तो उसका मुझे मिला 278 रुपीज़। तो लगभग मेरे ख्याल से गाइस 1700-1800 रुपए का मेरा अर्निंग हो गया। और CNG गाइस मैंने एक ही टाइम भरा, जो ठाणा घोड़बंदर में गाइस मैंने CNG भरा था 460 का। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर पे, क्योंकि इतना काफी नींद आ रहा है कि पूछो, मतलब 2-3 दिन से इतना काम किया हो ना कि पूछो, मतलब गाड़ी नहीं चलाओ, ड्यूटी पे नहीं था, बट जो मेरे बाहर के काम थे जो, तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे, क्योंकि मुझे इतना मतलब आंखों में नींद आ रही है ना कि पूछो, मतलब 2 दिन से इतना थका हुआ था। तो भी कल रात को मैं निकला था काम पे, मैं बोला चलो निकलते करके जो भी आते हैं पता चलेगा, तो इसके लिए गाइस मैं निकला था रात को 11:15-11:15 बजे, और अभी कंटिन्यू गया सुबह 7 बजे तक। आप देख सकते हो घड़ी के अंदर सुबह 7:30 बजे मैं कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है थक गया हो करके, तो इसलिए दोनों ऐप को मैंने कर दिया ऑफ। तो मैंने बोला नहीं निकलते घर पे, रिस्क नहीं उठाते, शाम को जल्दी निकलेंगे चाहिए तो। ठीक है, तो वैसे आज अर्निंग मेरा अच्छा ही हुआ, तो गाइस जो अर्निंग है मैंने आप लोगों को बता दिया। और तो बस गाइस आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज वीडियो को गाइस लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन उसको गाइस प्रेस करना, ताकि जो भी आने वाली मेरी वीडियो रहेगी गाइस उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन गाइस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।